जागते माफिया सोती सरकार, क्योंकि राजस्थान में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। दरअसल राजस्थान में अवैध खनन एक नासूर बीमारी बन गया है, लेकिन अवैध खनन पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इसी का परिणाम है कि सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, साथ ही साथ लोगों की जान पर भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हालात अब ऐसे हो चले हैं कि अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और एनजीटी के आदेश भी दरकिनार किए जा रहे हैं। देखिए पत्रिका की ये स्पेशल रिपोर्ट। बेकाबू खनन माफिया, निगले पहाड़ पी गए बजरी, जागते रहे खनन माफिया, सोती रह गई सरकार। प्रदेश में जारी अवैध खनन का खेल, मिली भगत से फैल रही अमरबेल, धड़ल्ले से चल रहे माफियाओं के बुलडोजर, कर रहे पहाड़ों का सीना छलनी, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश दरकिनार, अब तो आंखें खोलो सरकार। जी हां, अवैध खनन माफियाओं ने पूरे राजस्थान को ही अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां अवैध खनन नहीं हो रहा हो। प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिले तो ऐसे हैं जहां भारी संख्या में अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन की आड़ में खनन माफिया तो पनप ही रहा है, लेकिन सरकार और जनता के लिए ये परेशानी का सबब भी बन गया है। 4 साल में ही सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। राजस्थान के 29 जिलों में पनप रहा खनन माफिया, सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान, आमजन और पुलिस प्रशासन को जान का खतरा। प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में भी अवैध खनन पर रोक नहीं, सबसे ज्यादा बजरी का हो रहा अवैध खनन। प्रदेश में बजरी का अवैध खनन भारी मात्रा में हो रहा है। 11 जिले तो ऐसे हैं जहां नदी में कई जगहों पर अवैध खनन किया जा रहा है। बजरी के साथ ही फेल्सपार, क्वार्ट्स, मैसनरी, स्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम, आयरन अयस्क, मार्बल, लाइमस्टोन, गार्नेट का बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। सरकार, पुलिस, खान विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन अवैध खनन पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। इसी का परिणाम है कि सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि लोगों की जान को खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान में अवैध खनन एक नासूर बीमारी बन गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस जिले में किसका अवैध खनन हो रहा है। बजरी का अवैध खनन टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, पाली, झुंझुनू। क्वार्ट्ज फेल्सपार का अवैध खनन अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक और डूंगरपुर। मैसनरी स्टोन का अवैध खनन अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, सैंडस्टोन, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, करौली, भरतपुर और जोधपुर। वहीं जिप्सम का अवैध खनन बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, आयरन अयस्क का सीकर, जयपुर में अवैध खनन हो रहा है। इसी तरह से मार्बल खंडा का अवैध खनन बूंदी, जैसलमेर और अलवर में हो रहा है। लाइमस्टोन का अवैध खनन नागौर में धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि गार्नेट का अवैध खनन भीलवाड़ा में हो रहा है। ये तो आपने देखा किस जिले में किसका खनन चल रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बताते हैं कि जिलों में वो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से ये खनन ज्यादा हो रहा है। जिला टोंक, बनास नदी, देवली और गुलगांव, लादी। जिला जयपुर, दूदू, सांगने, कोटपुतली। जिला दौसा, सैंथल, सिकराय। जिला झुंझुनू, खेतड़ी, कांकरिया। सिहौर, नयानगर, रामकुमारपुरा, बुहाना, कालोटा। जिला अलवर, मुंडली, सैंथली, नारायणपुर, नागल, सुमेर, बलदेवगढ़, गोर्धनपुरा। जिला भरतपुर,
पहाड़ी नगर क्षेत्र रूपवास, जिला धौलपुर चंबल नदी घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र सरमथुरा, जिला करौली मंडरायल सपोटरा बनास नदी, जिला सवाई माधोपुर बनास नदी, जिला बीकानेर खाजूवाला और बज्जू, जिला हनुमानगढ़ पूरबसर पल्लू न्यौलखी बरमसर लाखेरा मायरा बड़ौपल जिगासरी छोटी रातुसर, जिला श्री गंगानगर किशनपरा गुड़ली ठेठार फूलेवाला देसली, जिला जैसलमेर मूल सागर अमर सागर एयरफोर्स एरिया मोहनगढ़ चिन्नू और नाचना, जिला चूरू रणधीसर बिदासर गोपालपुरा बालेरा मानपुरा चाडवास, जिला जोधपुर शेरगढ़ बालेसर लूणी नदी, जिला पाली लूणी नदी रोहट जैतारण, जिला बाड़मेर पचपदरा सिरधरी गुड़ामलानी बायतू, जिला जालौर चितलवाड़ा रानीवाड़ा जसवंतपुरा भीनमाल आहार समदड़ी बागोड़ा, जिला सिरोही पिंडवाड़ा आबूरोड रेवदर, जिला भीलवाड़ा कोठड़ी आसिंद सहाड़ा बनेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ भदेसर कपासन भोपाल सागर राशमी, जिला कोटा शहरी क्षेत्र की वनभूमि चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र पार्वती नदी, जिला बूंदी धनेश्वर डाबी पीपलदा भूतपुरा, जिला बारा अंता मांगरौल छबड़ा छीपा बड़ोद, जिला झालावाड़ मनोहर थाना झालरा पाटन अकलेरा, जिला अजमेर सावर किशनगढ़ अराई प्यावर, जिला नागौर धनापा भेड़ क्षेत्र, जिला उदयपुर जयसमंद कैचमेंट सलूमबर भिंडर, जिला बांसवाड़ा सज्जनगढ़ कुशलगढ़ गड्डाना, 4 साल में 5,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान। खान विभाग ने राजस्व के लिए जो टारगेट तय किया था, अवैध खनन ने उसे भी जोरदार झटका लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक खान विभाग तय राजस्व टारगेट से 5,000 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त कर सका है। वर्ष 2021 में राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया था, वो भी खानों की नीलामी से पूरा करना पड़ा। मिली भगत से फैल रही अमरबेल, प्रदेश भर में अवैध खनन का खेल जारी है। कहीं पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, तो कहीं नदियों का स्वरूप बिगाड़ दिया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चले हैं कि जनता से लेकर अफसरों पर हमला करके सरकार को खुली चुनौती दी जा रही है। खान विभाग पुलिस प्रशासन वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध गतिविधियां अमर बेल की तरफ फैलती चली जा रही हैं। राज्य सरकार के अवैध खनन रोकने और माफियाओं पर नकेल कसने के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 3.5 साल में 8,689 केस, 10,544 गिरफ्तार। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ माफिया मौके पर कार्रवाई करने पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी मुलाजिमों पर जानलेवा हमला करने में हिचकिचा भी नहीं रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश भर में 3.5 वर्ष में 8,689 अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किए हैं और इनमें 10,544 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि इसी वर्ष गत 6 महीने में अवैध खनन के 274 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खनन माफियाओं की ओर से गत 3.5 साल में पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर हमले करने में 250 मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश तक दरकिनार। भरतपुर जिले सहित पूरे राजस्थान प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की चिंता बेअसर साबित हो रही है। अदालतों के शब्दों में तल्खी बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं माफिया लगाम लगाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों की जान लेने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इन तमाम हालातों के बावजूद भी प्रशासन खनन माफियाओं के बुलडोजर मशीनें और क्रेशर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। वर्ष 2004 से लेकर अब तक भरतपुर के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन पर हाईकोर्ट अपनी सख्ती दिखा रहा है,
लेकिन राज्य सरकारों की ओर से शीर्ष अदालत और एनजीटी के आदेश दरकिनार किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने ली बैठक। अवैध खनन को लेकर हरियाणा और राजस्थान के भरतपुर में हुई घटनाओं को देखते हुए राजस्थान प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन माफियाओं की पहचान करके सूची बनाई जाए और योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते ही पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो देखा आपने किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन माफिया बेलगाम होते चले जा रहे हैं और अवैध खनन की ये अमर बेल फैलती ही चली जा रही है। अब यहाँ जरूरत है कठोर कार्रवाई करने की, जिससे इन सब पर नकेल कसी जा सके। जनता द्वारा चुने गए इन राजनेताओं को भी अब जनता के हित में सोचना चाहिए, न कि खुद के स्वार्थों की रोटियां सेकनी चाहिए। साथ ही जिम्मेदार ओहदों पर आंखें मूंद कर बैठे हुए अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।